फेस्टिवल के बारे में, साथ ही इंदौर के बारे में सबसे बात करेंगे। सर आपने इंदौर में फेस्टिवल के हैं, आपके मंच से भी इतने अच्छे वक्तव्य दिए, तो इस फेस्टिवल के बारे में क्या कहेंगे इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल? मैं पहली बार यहाँ नहीं आया हूँ, ये 6वां साल है इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल का, और 6 सालों में इसने देश में एक बहुत बड़ी जगह बनाई है। और मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से लोग सुनने के लिए आए हैं, सिर्फ किताबों के बारे में बात करने के लिए आए हैं, और आज के जो मुद्दे हैं देश के सामने, दुनिया के सामने, उसके बारे में जानने के लिए आए हैं। क्योंकि यहाँ जो अलग अलग सत्र रखे गए हैं और जो उनके विषय हैं और उनके वक्ता हैं, ये वाकई एक कोविड पीरियड में ख़ासतौर से मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी चुनौती थी प्रवीण जी के लिए, जो इस ILF के फाउंडर हैं इंदौर में। और इंदौर की तो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि एक बहुत लंबी गौरवशाली परंपरा रही है, पढ़ने लिखने का माहौल जिस तरह का यहाँ रहा है। तो इसलिए ये 6 सालों में इतने परिश्रम के बाद इस फेस्टिवल को मध्य प्रदेश की एक आइडेंटिटी बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ आयोजकों के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे इंदौर के लोगों के लिए, पूरे देश में जितने भी लिटरेचर फेस्टिवल अलग अलग शहरों में हो रहे हैं और इंदौर से पहले हो रहे हैं, आज इंदौर का ये फेस्टिवल उनके लगभग बराबर पे आ गया है। उफ़ी मौलाना, आपकी जो किताब है इसके बारे में बताइए, किस चीज़ के बारे में आपने इसमें? देखिए, आज जिस किताब पर बात करने के लिए मैं आया हूँ, ये कोरोना के पीरियड में एक मेरी डायरी है जो 450 पेज में गरुड़ प्रकाशन से छपकर अभी जस्ट आई हुई है। और इसमें कोरोना पीरियड में पूरे देश में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, एक वर्ग विशेष के कारण से इंदौर में आपने और इंदौर के टाटपट्टी बाखर से लेकर मुरादाबाद की हाजी नेब की मस्जिद की गली में जो कुछ देखा है पूरे देश में, और ये पूरे अप्रैल में, पूरे मई और जून तक ये सिलसिला लगातार चला है। तो मेरा कहना इसमें ये है, इस किताब के माध्यम से, कि जब देश और दुनिया के सामने किसी जानलेवा महामारी को लेकर संकट की स्थिति पैदा हुई हो, उस समय अगर समाज का कोई भी तबका, वो कोई भी हो सकता है, अगर अलग और उलट ढंग से पेश आ रहा है, तो ये हम सब लोगों के लिए नज़रअंदाज करने वाली स्थिति नहीं है। हम उसको ओवरलुक करके नहीं निकल सकते हैं कि ये ठीक है, ये सब चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो इसको कहीं नोट होना चाहिए, ये दस्तावेज पे आना चाहिए, ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा चल रहा है तो ऐसा क्यों चल रहा है, कि कौन चलने दे रहा है, इसके पीछे कौन है, ये सारी चीज़ें। तो वो सारे मुद्दे मैंने इस किताब के माध्यम से उठाने की कोशिश की। और कोरोना अभी गया नहीं है, और कोरोना काल की ही ये डायरी है, तो ये एक प्रासंगिक सब्जेक्ट के तौर पर ILF में इसको समझा कि इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, और इसमें मुझे बोलने का मौका मिला। कोरोना की बात निकली है तो ये पूरी बुक आपने कोरोना काल में लिखी, तो और क्या किया, किस तरह से बीता आपका ये? मेरे पूरे 6 महीने अप्रैल की शुरुआत से मार्च में, जब लॉकडाउन में पूरा देश चला गया था मार्च एंड में, तो उसके बाद अप्रैल, मई, जून और सितंबर में मैंने इस किताब को ख़त्म किया। तो सितंबर तक मेरा पूरा समय केवल इसी में लगा था, क्योंकि ये एक देश के कोने कोने में जो कुछ भी घटा है, जो कोई बोला है, कोई घटना हुई है, किसी का स्टेटमेंट, कोई ट्वीट जिसने इस मुद्दे पर कहीं हमारे सेंटीमेंट्स को टच किया है, तो वो लिखने में ही मेरे 6 महीने इसमें लगे हैं। अभी मैं दूसरी किताबों पर, चूँकि मैं राइटर हूँ, तो दूसरी किताबों पर काम करता हूँ। सर, राइटर होने के साथ आप मीडिया फील्ड से भी जुड़े रहे हैं, तो वो सफ़र आपका कैसा? मैं 25 साल रहा हूँ, जिसमें से 12 साल मेरे इंदौर में ही गुजरे हैं, तो ये सब जो लिखने का जो सिलसिला है, वो केवल उस वजह से है क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर था जहाँ मैं तथ्यों पर काम करता था, खबरों पर काम करता था, लिखता था। और अब जब मैं उस भूमिका में नहीं हूँ, मैं सक्रिय मीडिया में अब नहीं हूँ, लेकिन उस फील्ड ने मुझे वो दृष्टि दी है कि मैं कुछ चीज़ों को देख सकता हूँ, अगर तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको दस्तावेज पे लाऊं। तो मेरी सारी किताबें ऐसे ही सामयिक विषयों पर हैं। अगर हरसू शहर 2004 में इंदिरा सागर डैम में डूबा, तो मैंने उसको, उस पर डॉक्यूमेंट किया, उसको मैंने, उस पर किताब है मेरी। मैं भोपाल गैस ट्रेजडी के जब 25 साल हुए थे 2009 में, तो मुझे इंडियन कार्बाइड के इलाकों में काम करने का मौका मिला। तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो खबरों में ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट को मेरा हमेशा ये कहना होता है कि उस दिन की खबर में ख़त्म मत हो जाओ, ऐसी चीज़ें उसमें से पकड़ो जो बात तक कुछ काम आए, और कुछ स्थायी महत्व के मुद्दे उनको पकड़ो और उन पर कुछ स्थायी लेखन करो। लिखना आपको आता है, मुद्दों पे आप काम करते हो, दिन भर परिश्रम करते हो, तो उस दिन की खबर में क्यों ख़त्म होते हो? क्या कहेंगे इंदौर को?
मैं इंदौर 94 में पहली बार आया था, 1994 में पहली बार आया था, और ये एक बिल्कुल नर्क जैसा शहर था ये। इसकी जो नदियां हैं वो सब मर चुकी थी और पूरे शहर के बुरे हाल थे। उसका देश में नंबर वन पे लगातार बने रहना, मैं समझता हूँ कि हर एक इंदौरवासी के लिए जो यहाँ रहने वाला है और या जो कभी रहा है हम जैसे प्रवासी इंदौरी, ठीक है, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये बिना लोगों के सहयोग के नहीं होता, ये प्रशासन की मशीनरी वही थी, नागरिक वही थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कोई सोते से जाग गया और शहर चमक गया। तो ये इसमें मैं सारे जो इंदौर शहर के लोग हैं मैं उनको श्रेय सबसे पहले उनको दूंगा कि उन्होंने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और जब एक बार नंबर वन आ गया तो आपने उसको फिसलने नहीं दिया है और आप उस पोजीशन में लगातार टिके हुए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।